कंधे में या हाथ में या बाजू में कहीं पे भी सुन्न पड़ जाना, सुन्न पड़ जाने का उपाय जो है, आप एक चम्मच दालचीनी लीजिए, एक चम्मच दो चम्मच दालचीनी लीजिए, एक चम्मच आप शहद लीजिए, उसको मिलाइए, उसको मिलाने के बाद आप खाइए, उससे आपको आराम मिलेगा। या आप ऐसा कर सकते हैं, 100 ग्राम या 200 ग्राम नारियल का तेल ले सकते हैं, उसमें 2 से या 3 ग्राम आप जायफल का चूर्ण बना लीजिए, उसमें मिलाइए, उसको मिलाने के बाद आप अपने जहाँ पर आपको दिक्कत है वहाँ पर लगाइए, या आप अपने देसी घी को गुनगुना कीजिए और उससे आप मसाज कराइए, उससे आपको आराम मिलेगा। आप ऑयली खाना खाना बंद कीजिए और आप गुनगुने पानी से जहाँ आपको दिक्कत है आप गुनगुने पानी से धो सकते हैं उसको, आप गुनगुने पानी से धोइए। और आप हल्दी और लौंग मिलाकर उसका वो हल्दी भी पीस लीजिए और लौंग भी पीस लीजिए और उसको शहद में मिलाकर आप अपने कंधे पर या जहाँ पर आपको दिक्कत है वहाँ पर लगाइए, 10 मिनट तक लगा रहने दीजिए। ज़्यादा मीठा खाने से बचिए, ज़्यादा मीठा खाने से परहेज कीजिए। गुनगुना जो दूध है उसमें 1 चम्मच हल्दी गर्म कीजिए, वो पीजिए, और आप सरसों के तेल से मालिश करवा सकते हैं। और हल्की फुल्की जो आपकी एक्सरसाइज होती है, मैं बता रहा हूँ, आप जब आपको प्रॉब्लम होगी तो आप ऐसे हाथ उठाएंगे तो आपका इतना हाथ जाएगा, जितनी आपसे हो सकती है आप एक्सरसाइज कीजिए, एक्सरसाइज से आपको और रिलीफ मिलेगा। एक ये एक्सरसाइज है, वैसे तो आपका इतना हाथ रहेगा लेकिन जितनी आपकी रिलीफ हो सकता है, आपको जितना कंफर्टेबल लगे अपनी आप एक्सरसाइज। एक बार ऐसा होता है ज़्यादा सर्दी लग जाने की वजह से भी ये दर्द होने लगता है, या विटामिन B12 की कमी से दर्द होने लगता है, या कैल्शियम की कमी से दर्द होने लगता है, कैल्शियम या आयरन या पोटेशियम की कमी से होने लगता है, या ब्लड सप्लाई कभी कभार रुक जाती, चोट लग जाती तो उसकी वजह से, और थायराइड बढ़ने की वजह से भी हो सकता है आपका, या आपका शुगर बढ़ जाए तो भी आपका हो सकता है, स्ट्रोक की वजह से आपके कंधे में सुन्नपन हो सकता है, टाइट कपड़े पहनते हैं ब्लड सप्लाई रुक जाती है, पोजीशन में लेटने की वजह से, नस दबने की वजह से हो सकता है, या शरीर में कोई प्रकार की कमजोरी की वजह से भी हो सकता है, या आपका कार्पल टनल सिंड्रोम, आपकी चोट लग गई हो, गहरी चोट लग गई हो, कार्पल टनल सिंड्रोम जो अंदर होता है जो ब्लड के धक्के बना देता है, उसकी वजह से भी हो सकता है, या ज़्यादा वर्क करने की वजह से भी हो सकता है।